के हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह हॉस्पिटल्स का एक पैरेलल माफिया जैसा वहां चलता। नहीं आप तो सक्सेसफुल नहीं हुए के माँ बाप को चुप कराने के लिए, और नहीं आप सक्सेसफुल हुए, आप कामयाब नहीं हुए कि आप जूनियर को चुप कराने। ऐसा भी हो सकता था कि ये चाहते बिना पब्लिक को पता चले ये पूरा केस का निपटारा हो जाता, वो डेड बॉडी भी अगर इनको पहले पता चल जाए वो डेड बॉडी भी अगर हट कर आप, दी जाए। क्योंकि फॉर पीपल लाइक यू जर्नलिस्ट, जो यंग जर्नलिस्ट जो थे शहर में, लॉट ऑफ गुड जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थे, तो गुंडे लेकिन थोड़ा बहुत बेवकूफ भी थे, तो चार तल्ला नहीं जाके तीन तल्ला में तोड़ फोड़ करके भाग गया। तो वो पुलिस बेचारा समझे थे कि दो बेचारी डॉक्टर जाएंगे, हम लोग थोड़ा डांट वाट देंगे। तो जब वो मौका आया तब वो दिन वो समझ गए थे कि भाई अभी मामला थोड़ा गर्म हो रहा है। तब हम लोग को, जब हम जा रहे थे तो 20-30 मिनट पहले बोले कि आप भाई मत आइए, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे नहीं, आप बुलाए हम लोग जाएंगे। तो आप वो अचानक सा देखे कि दोनों डॉक्टर तो आ रहे हैं लेकिन बीच में और भी 5-7 हज़ार डॉक्टर आ रहे हैं। आज दूसरे रेप हुआ है ये पुलिस फोर्स का, 32 साल का लड़का जो अभी जूनियर बाहुबली है सिस्टम में, वो डिक्टेट कर रहा है कि डायरेक्टर किसको बनना है। उनका भी अकल सीधा काम नहीं कर रहा है। उनको चाहिए था कि भाई एक दो दिन के अंदर ये मामला खत्म कर दो, ये संदीप घोष को रिजाइन करा लो, इसको ये करा लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन करके ये मामला केस रिपोर्ट सबमिट करो। वो जितना लंबा इसको खींचता रहता है उतना ये केस बिगड़ता जा रहा है। और उसी हिसाब से जितना लंबा वो जूनियर डॉक्टर डॉक्टर के साथ खींचातानी कर रहा है उतना ये केस और भी बिगड़ेगा। हम इसे ये माने कि उन लोगों ने भी जो इसमें शामिल थे, उन लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये केस इस लेवल तक बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जवाब कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, इसका इंतजार लोग कर रहे हैं। जैसे निर्भया को इतने सालों बाद न्याय मिला, क्या इस बार भी इतना ज़्यादा वक्त लग जाएगा? क्या इतने सालों बाद भी हमारी न्याय व्यवस्था और बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुणाल सरकार हैं, बंगाल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, हर चैनल पे, न्यूज़ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। इन्होंने जब सबसे पहले सवाल उठाए, इस मैटर पे बोला, तो इन्हें कोलकाता पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया। आइए समझते हैं ये पूरा मामला और डॉक्टर्स की क्या मांग है, और कोलकाता के स्वास्थ्य व्यवस्था में, बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो नासूर है, जो माफियागिरी है, उसमें कितनी हकीकत है, वहाँ किस लेवल का स्कैम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें हम डॉक्टर कुणाल सरकार से बात करेंगे और समझेंगे। नमस्कार सर। सर सबसे पहले ये जो पूरा केस था, सारी चीज़ें हमारे सामने साफ साफ हमें दिख गई कि लड़की का बलात्कार होता है, मर्डर होता है, पुलिस की कितनी भूमिका रहती है, पुलिस ने कितना लीपापोती करने की कोशिश की, उसमें सरकार ने क्या तरह का रोल देखा निभाया, सरकार ने कैसी, उसको कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी रही कि सरकार ने उसे अच्छे से डील नहीं किया, आप इस केस को कैसे देखते हैं? उत्कर्ष जी, देखिए ये तो एक भयानक, एक दुखद केस था। इट्स अ ट्रेजिक एंड अ टेरिबल केस। शायद किसी को कभी भी किसी शहर में इस टाइप का एक्सपीरियंस तो नहीं ही होना चाहिए। लेकिन एक बात जैसे आप सही बताए कि 9 अगस्त जब मॉर्निंग में, सवेरे में ये बेचारी लड़की का, एक वेरी यंग डॉक्टर, 31 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, चेस्ट फिजिशियन थी वो, कि उनका ही डिपार्टमेंट है जिसके आसपास में वो काम करती थी। आप मान लीजिए ये जगह कैसा है, ये तो कोई सुनसान जगह, कोई अंधेरे गली, हाँ, जहाँ पर आपको कोई अनजाने से कोई किसी को दिखाई नहीं दिया, आपको एक
अकेला मिलके कोई कोई आपके साथ कोई छेड़खानी किया, वो ऐसा वो है नहीं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर हजारों हजारों मरीज, जहाँ पर सौ सौ सब कर्मचारी, डॉक्टर्स, सब जो पेशेंट्स का रिलेटिव्स, एक हॉस्पिटल होते हैं लाइक ए बिजी रेलवे स्टेशन, यू नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल द टाइम। तो उसी सिचुएशन में ये चीज हुआ है। तो पहले जो हो गया कि सवेरे 9:30 के आसपास इज द फर्स्ट डिटेक्शन, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है, ये फर्स्ट डिटेक्शन होने का बाद जो कुछ चीज हुआ, जस्ट आप क्राइम के ऊपर सोचते हो तो ये जो क्रिमिनल एक्ट के ऊपर सोचते हो कि उसके बाद दो जोता दो चार चीज हुए, वो हमारे सोच विचार का बाहर था। पहले बात करना शुरू, आपको सामने देख रहे हैं कि एक बेचारे लड़की को मर्डर हुआ है, रेप भी हुआ है वहाँ पे, वो ऐसा पड़ी हुई है और चारों पास आप बोलिए ब्लड, बॉडी फ्लूइड, स्किन, कपड़े का टुकड़ा हर जगह में आपको फैला हुआ है वहाँ पे। तो ये सारे चीज देख के कुछ घंटों उसको बोला है कि हाँ ये सुइसाइड हो सकता है। बेचारी को पिताजी और माताजी, आप सोच ही सकते हैं एक फैमिली का, इकलौती बच्चा थी, कि एक फैमिली का क्या हाल होगा ये सिचुएशन में। उसको ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बताकर उसको घर से वो लेके आए। वो घर से आके 3.5 घंटा तक बैठे रहे, देख भी कि ना किसी ने उसको साफ कुछ बोला है। उसके घंटों भर बाद बोला कि हाँ वो शी हैज डाइड, वो तो मर गई है, अभी नहीं है, लेकिन आप अभी देख नहीं पाओगे। और उसी टाइम में वो 3 घंटा के आसपास क्या हो रहा था, जैसा एक पूरा मेला बस गया वहां पे, जो भी है शहर का आपको अभी। दूसरा बात जो आपको समझना है वो है कि हम डॉक्टर्स, हमारे जो मेडिकल सिस्टम है बंगाल के, बंगाल में काफी ज्यादा तनाव में हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बहुत सारे स्टेट में, वी हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस। तो ये गवर्नमेंट वाली जो हॉस्पिटल सिस्टम है उसको कौन चलाती है? गवर्नमेंट चलाती है, हेल्थ मिनिस्टर, उसका डायरेक्टर्स, उसका सेक्रेटरी, वो सब मिला के चलाती है। लेकिन बात कुछ बिगड़ गया था पिछले 6-7 साल के अंदर, कि इसका किसी का जान पहचान हो, किसी का दोस्त रिश्तेदार हो, ये सब मिलके ये सिस्टम में घुस गया। और कुछ ही सालों में ऐसा हो गया कि आपको जो हेल्थ के, जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह, हॉस्पिटल्स का सब मेडिकल डायरेक्टर वगैरह, वो तो आपको दिखाव के लिए होते थे और उसको पैरेलल, हाँ, जो अदृश्य थे, आपको देख नहीं मिलते, आप उसको देख नहीं लगते थे, एक पैरेलल माफिया जैसा वहां चलता था। वो कौन थे? वो उनको आपका कोई दोस्त है, कुछ कोई रिश्तेदार है, कोई पार्टी का मेंबर है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस है। अब सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मेडिकल काउंसिल में, सब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में, इनमें से किसी को प्रिंसिपल बना दिया, किसी का कोई काउंसिल का हेड बना दिया, किसी को कहाँ पे एक हेल्थ डायरेक्टर बना दिया। सो ये सारे सिस्टम जो है, ये सारे सिस्टम के अंदर एक माफिया राज चल रहा था, जो माफिया राज चलते चलते आपको जो एक्चुअल सिस्टम होनी थी, वो एक्चुअल सिस्टम तो कोलैप्स कर गई। उसको कोई ना उसको आप दिखते थे, ना उसको कोई सुनते थे। ये आपको एक लिमिटेड लॉबी या माफिया बोल के ये सिस्टम चलाता था। और उसी सिस्टम वाली जो है, वो जो बोल रहे थे, वो जो 3 घंटा का गैप हुआ, हाँ, ये कॉलेज का प्रिंसिपल वही गुट के मेंबर है, वही माफिया के मेंबर है, संदीप घोष, उनका ऊपर, हाँ, उनका बाप दादा, जो भी बाप दादा माने उनका बॉसेस जो था वो सिस्टम में, हर कोई गॉड नोज हाउ मेनी 25-30 आदमी मिलके सवेरे से वहां पे, एक तरफ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, एक डेड बॉडी का पास में आपका, कैसे आप एक क्राइम सीन को सेफ रखेंगे,
कैसे आप एक क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करेंगे वो तो सब भूल ही गए। वहां पर एक जैसा एक मार्केट बैठ गया, बहुत सारे मीटिंग वीटिंग हुआ, और मीटिंग वीटिंग का बाद क्या हुआ, मीटिंग ये सब मीटिंग वीटिंग करने का बाद क्या हुआ, आप एकदम हड़बड़ाहट में आप क्या किया जो सारे देश में कहाँ होता नहीं, आप एकदम शाम के टाइम में किसी एक जूनियर डॉक्टर को बुला के दूसरे हॉस्पिटल से एक जल्द से जल्द एक पोस्टमार्टम कर डाले। और पोस्टमार्टम जैसे ही खत्म हुआ, खत्म होने का मिनटों के अंदर, हाँ, सारे तब जूनियर डॉक्टर्स काफी आदमी सब वहां पे खड़े हुए थे हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस गाड़ी में ये डेड बॉडी को बिठा के, शायद उनका माँ बाप भी उसको एक ठीक से देखने का फुर्सत भी नहीं मिला उनको, हर किसी का अंदर से उसका ऊपर से गाड़ी लेके शमशान घाट में ले जाकर उसको क्रिमेशन कर राइट। तो मिल गया इतना बड़ा एक केस जहां पर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, जिसी को भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, थोड़ा बहुत फॉरेंसिक का आइडिया है, हर किसी का मालूम है कि इसका एक दूसरा पोस्टमार्टम लगने का चांसेस आर ऑलमोस्ट 100% जी। आप हर किसी ने मिलके ये बॉडी को आप खत्म कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद हर किसी ने सोचा था कि देखिए ये सारे सिस्टम के अंदर, ये सारे आपका माफियाबाजी के अंदर, उनको उन लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस था, भाई हमारा बोलती है हमारा चलती है यार, अगर हम शाम को बोलेंगे नहीं अभी शाम नहीं है अभी तो दोपहर है, वो दोपहर बन जाएगा सर, अगर हम बोलते हाँ, तो वो बोलते थे कि भाई ठीक है, हम बहुत सारे सबूत लिपटा दिया है, सबूत गायब हो चुका है, पूरा क्राइम सीन तो उलटफेर हो चुका है, अभी हम जैसे इसको बोलेंगे जैसा कुछ लिख देंगे, ये मर जाने का कुछ ही 12 घंटा बाद एक FIR करेंगे, ये सारे जो उल्टा पुल्टा सिस्टम हम करेंगे चलेगा, हम बोल दिए चल गया। मतलब हम इसे ये माने कि उन लोगों ने भी जो इसमें शामिल थे, उन लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये केस इस लेवल तक बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। उनको लगा कि सारी चीजें आसानी से दबा दी जाएंगी और हम क्लीन चीट से बाहर आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। अभी आप पूछेंगे ये कैसा हुआ, ये हुआ दो तीन वजह थी। एक वजह थी क्या, आप बोलिए उनको थोड़ा सा डरा के धमकी देके वगैरह देके, कोई बोलते हैं पैसे भी की भी लालच देके, उनका माँ बाप को आप चुप नहीं कर सके। सेकेंडली है ये जो अभी एक्शन में जुटे हुए हैं, ये जूनियर डॉक्टर्स हाँ। ये जूनियर डॉक्टर्स जो थे मेडिकल कॉलेज में, जो देखिए ये जूनियर्स के अंदर में भी क्या होता है, उनको यूनियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उसको भी सीनियर्स होते हैं, उसको भी लीडर होते हैं, तो ये सारे साल टाइम अभी क्या होता था, ऊपर वाले कहीं से भी एक ऑर्डर आ गया, कभी भी एक धमकी आ गया है, भाई चुपचाप बैठो, ये केस को लेके इतना हंगामा आपको थोड़ी करना है। लेकिन इस बार चाहे आपको पार्टी जो भी हो, चाहे आपको लीडर जो भी हो, नहीं आप तो सक्सेसफुल नहीं हुए के माँ बाप को चुप कराने के लिए, और नहीं आप सक्सेसफुल हुए, आप कामयाब नहीं हुए के आप जूनियर को चुप कराने के लिए, ये दोनों उनका जो प्रोटेस्ट, हम लोग जो शहर का पास पड़ोस में थे ना, हम लोग को पहले 2-3 दिन हम लोग का अकल भी नहीं आया कि ऐसा कुछ हो चुका है। किसी ने एक हल्का सा खबर छोड़ दिया था, एक डॉक्टर की मौत हुआ है, किसी का गलत फहमी था कि हाँ शायद सुइसाइड ही हुआ है, कुछ हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में होती है। लेकिन एक साइड से उनका माँ बाप, एक साइड से जूनियर डॉक्टर्स, और तीसरे जो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट थे, क्यों इस घटना को लेके इतना शोर मचा, इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्यों? क्योंकि फॉर पीपल लाइक यू जर्नलिस्ट,
जो यंग जर्नलिस्ट जो थे शहर में, आप नॉर्मली आप सोचते थे भाई अगर ये लीडर वीडर का चक्कर में गिर के वो तो डर जाएंगे, हाँ ये लीडर का, ये लीडर, ये लीडर, ये यहाँ पे ये लीडरबाजी होगा यहाँ पर, वो मुंह में प्लास्टर बैठ के एक कोई एक फोटो चिपका के वो चुप हो जाएंगे जी। लेकिन लॉट ऑफ गुड जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टुक प्लेस। और आफ्टर अबाउट ये हुआ था आपको मान लीजिए 9th, 10th, 11th, 12th August से हमारे लोकल मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब न्यूज फीड आना चुप हुआ। तब क्या था, तब आप एक ही चीज था कि ये बेचारी एक डॉक्टर का मौत हुआ है, और दूसरी बात जो है कि एवरी डे आपको, हर दिन आपको थोड़ा 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 करके ये क्या सब हुआ है, ये क्या सब कांड हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, कि पुलिस ऐसा जल्दबाजी में पोस्टमार्टम किया, क्रिमेशन किया, बॉडी को ठीक नहीं रखा, सुइसाइड बताए थे, तो ये सारे चीज सामने आ गया। और जो बात ना तो पुलिस को ना भी पॉलिटिकल लीडर्स को उसका कोई, उनका यकीन ही नहीं था कि देखिए आज के जमाने में वो बोलते थे नहीं कोई नहीं आया, कौन आया था हॉस्पिटल में, कोई नहीं आया, हम तो बॉडी को अलग से रखे थे। लेकिन आज के दिन में आप कितने झूठ बोलेंगे, 2-3 दिन में 10 फोटो सामने आ गया, अब हर किसी को साफ सुधर देख, साफ सुधरा आप देख लिए, अरे भाई ये तो सब बैठे हुए हैं वहां पर, हाँ जैसे आप लोग कोई एयरलाइन फ्लाइट बोर्डिंग कर रहे हो, पूरा मेला लग गया है। हाँ ये वीडियो वहां पे वायरल हुई थी ऐसी। हाँ हाँ एब्सोल्युटली, सो एब्सोल्युटली ये साफ दिख लिया कि भाई ऐसा ही हुआ है। और ऐसा होते होते और एक जो भयंकर जो हुआ था वो किसी का और भी बोलिए कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एक भूकंप जैसा हुआ, कि 13-14 अगस्त तक सारे बंगाल में, कलकत्ता में, शायद नेशनल मीडिया में भी एक ये खबर स्प्रेड हो गया कि भाई हाँ ऐसा एक मर्डर, सर इसकी चर्चा विदेशों तक भी हुई है, विदेश में भी कवरेज हुई है, विदेशों की न्यूज़ में भी गए कि भाई ऐसा तो हुआ है, और जिस तरीका से इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट किया है इसको कोई माने ही नहीं होता है। तो वहां पे कॉलेज ग्राउंड्स के अंदर सब जूनियर डॉक्टर वगैरह सब मिलके वहां पे धरना वगैरह स्टार्ट हो गया था। और उसी टाइम 14th अगस्त जब पहले दिन के लिए, पहली बार के लिए कलकत्ता में जो महिलाओं है, द वुमेन्स एक्टिविज्म ग्रुप जो है, वो ये रात हमारी है बोल के, रिक्लेम द नाइट, ये रात हमारी है बोल के एक मूवमेंट किए, और सारे शहर में लाखों के तादाद में सब लड़के, मेनली लड़की लोग उसके साथ जो है, उनका लड़का लड़की सब तो एक साथ, और सारा शहर तो रास्ता में जब खड़े थे 14 अगस्त में, उसी दिन जिस बिल्डिंग में ये काम हुआ है, ये बॉडी मिली थी, वो बिल्डिंग का ऊपर एक मॉब आ गया रात में, और ये मॉब का एक ही वजह था, और वजह यही था कि ये बिल्डिंग को जो भी उनका था उसको तोड़ फोड़ करके, जो भी है बॉस उसको एकदम तोड़ फोड़ के डालो, अगर थोड़ा भी सबूत कहां पर भी बचा हुआ है उसको बचना नहीं चाहिए। और इसके लिए ऐसा तो पुलिस का ऊपर, तो पुलिस का ऊपर हर किसी का बहुत क्या बोलेंगे, बाय दिस टाइम पीपल वर नॉट हैप्पी विद पुलिस एट ऑल, के भाई आप क्या किए हो वहां पे। ओके, और जब 14 अगस्त के रात में आप उनको मॉब बोलिए, गुंडे बोलिए, जो भी बोलिए, हावी हो गया हॉस्पिटल पर, वही बिल्डिंग पर, सिर्फ उसका कोई गलत फहमी था, उसको 4 जाना था, वो 3 जाके रुक गया। हाँ ये चीजें थोड़ी सी वो हुई थी। हाँ सर, जो भी आपको छोटा मोटा कुछ भी सबूत बाकी था वो छोटा मोटा कुछ बच गया शायद, क्योंकि उसको जाना था 4, थे तो गुंडे लेकिन थोड़ा बहुत बेवकूफ भी थे, तो 4 नहीं जाके 3 में तोड़ फोड़ करके भाग गया। लेकिन उसका पूरा आक्रोश आपको गिर पड़ा पुलिस का ऊपर, क्योंकि जो वहां पे थे
वो अभी भी बोलती है कि भाई पुलिस तो ऑडियंस थे, वो तो खड़ा होके देख रहा था कि ये भांग तोड़फोड़ हो रहा है वहां। ये गए एक नंबर। और उसके बाद जो और एक चीज हुआ वो तो एकदम आपको क्या बोलेंगे, विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि जिस रूम में बॉडी मिला था उसको पास वाला रूम में अचानक कोई एक ऑर्डर आ गया कि भाई वहां पे नया बाथरूम बनाना है। तो 80 साल में आपको टाइम नहीं मिला बाथरूम बनाने के लिए, उसी दिन आपको मिला था नया बाथरूम के लिए। और ये दो रूम के अंदर में एक दीवार था, जो दीवार का इम्पोर्टेंस यही था कि वहां पे एक वॉश बेसिन था और बेसिन का जो पाइपलाइन है, अगर कोई भी वो घटना से जुड़ी हुए कोई भी होते कि जहां पर वो हाथ पांव धुए धुए है, आपका ब्लड स्टेन जो होगा ना वो बेसिन और पाइप्स में, वो स्टेन आपको महीना तक मिलता है। तो ये तो थे क्रिमिनल माइंड के, लेकिन तो पूरा बेवकूफ तो था नहीं, तो वो क्या किया, पूरा पाइपलाइन और पूरा बेसिन का जो सर्किट था उसको पूरा उखाड़ के ले गया। उसके बाद उसको रोक दिया गया, लेकिन बाय द टाइम द डैमेज वाज डन। तो तब तो हमारे पब्लिक डिस्टरबेंस बहुत बढ़ चुका था, तब चीफ मिनिस्टर इसको सीबीआई का हाथ में दे दिए और हमारे सब पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह बार बार बोलते थे कि भाई हम लोग तो जैसा हमारे आती है वैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन किया है। लेकिन क्या बोलेंगे उसके साथ, कुछ यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी फॉर देम, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर आदमी उनको विश्वास नहीं किया था वहां पे। और हम क्या, और हम जैसा दो डॉक्टर्स थे, हम थे और एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर गोस्वामी के फिजिशियन। मैं यही पूछने वाला था कि आपको बुलाया गया था वहां। हाँ, क्यों, पहले दिन से हम इंग्लिश में एक वीडियो बनाए थे और वो बांग्ला में बोलते थे। हम बोल रहे थे कि भाई ये क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर आप एक साफ सुथरा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते हो, और ये इन्वेस्टिगेशन आप ऐसे कर रहे हो कि आप पुलिस को जो भी बोलेंगे पुलिस आपको जो हुजूर बोल के वैसा काम करेगा। बंगाल में तो हो ही रहा है, लेकिन बंगाल के साथ साथ ये तो देश का कोने कोने में देखते हैं कि जो ही लीडर लोग है अगर उसका उतना पावर है तो वो पुलिस का एक धमकी देगा, पुलिस बोलेगा जोड़ हाथ होके खड़ा हो जाएगा कि भाई हाँ आप जैसा बोलते हैं हुजूर हम वैसे ही करेंगे। हम ये वीडियो छोड़े थे 14 अगस्त में बोल के भाई इंडिपेंडेंस डे तो बहुत हो गया, उछल कूद हो गया, लेकिन इसका कुछ करो कि पुलिस को इंडिपेंडेंटली सारे देश में काम करने का एक मौका तो दो। गाली तो उनको ही पड़ता है ना, गाली तो है, लेकिन उनको काम करने का एक मौका तो दो, काम करने का एक फुर्सत तो दो ना उनको। तो ये सब बात बताए तो हम इसी ढंग से बोले थे इंग्लिश में, वो काफी कई लाखों लोगों ने देखे थे। और डॉक्टर गोस्वामी जो थे वो और भी डायरेक्ट थे, उनके हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के लाइन बाय लाइन बोले थे कि भाई ये तो एकदम एक थर्ड क्लास पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा ही है, कोई वजह नहीं है, इतने सारे गलतियां हैं इसमें। और जो आपको बाय द रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो आप कर ही नहीं सकते, एक एवरेज, ये तो आपका क्या बोलेंगे, ये तो आपका एक तो नेशनल इमरजेंसी है नहीं, दिस इज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन अ मेडिकल कॉलेज। जी आप कौन सा लॉजिक में इसको शाम को 6 बजे या 6:30 बजे इसको पोस्टमार्टम में डाल दिए, बाय द रूल ऑफ द लैंड आप कर नहीं सकते। तो ये सब बोल के पुलिस का जो वन ऑफ गलती तो काफी थे, तो क्या किया वो दो डॉक्टर को नोटिस दे दिए। तो वो पुलिस बेचारा समझे थे कि दो बेचारी डॉक्टर जाएंगे हम लोग थोड़ा डांट वाट देंगे। तो जब वो मौका आया तब वो दिन वो समझ गए थे कि भाई अभी मामला थोड़ा गर्म हो रहा है। तब हम लोग को जब हम जा रहे थे तो 20-30 मिनट पहले बोले कि आप भाई मत आइए हम लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं आप बुलाए हम लोग जाएंगे। तो आप वो अचानक सा देखे कि दोनों डॉक्टर तो आ रहे हैं लेकिन पीछे में और भी 5,000-7,000 डॉक्टर आ रहे।
तो जैसा मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के तरफ बैरिकेड्स खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया। लेकिन एक बात उत्कर्ष आपको बताएंगे कि ये सारे चीज में पुलिस का ऊपर कितना प्रेशर आती है, हाँ, और खराब लगते हैं भाई, बहुत दुख होते हैं उनको देख के कि वो भी होशियार लड़के हैं, हाँ, वो भी इंटेलिजेंट लड़के हैं, लेकिन इतना उनका कैपेसिटी है, इतने उनके अंदर में कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, सब है, लेकिन उनका काम हम लोग करने का भी मौका भी नहीं देते हैं। ये क्या, इसको मैं बोल दूं कि ये राजनीति के कारण हो रहा है? एकदम, अरे साफ सुथरा है भाई, क्या बताएंगे, साफ सुथरा है ये तो, जब सूर्यास्त के तरफ है, देख रहे हो ना, साफ सुथरा है, क्या बताएं। अभी आप देखिए ना, अभी जब सीबीआई लग चुका है, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुआ है, एक का तो इंटरोगेशन शायद आज हो रहा है, क्या होगा अभी सुन रहे थे। जी जी जी। लेकिन खराब लगते हैं भाई, आप जहां पर भी, जिस स्टेट में हो, जहां पर भी हो, जिस शहर में हो, कोई भी सोसाइटी पुलिस का बिना जी सकता है? जी तो नहीं सकता है। लेकिन हम तो हम यही बोले थे कि एक रेप तो ये बिचारी का ऊपर हुआ है, और दूसरे रेप हुआ है ये पुलिस फोर्स का ऊपर, उनका भी तो सारा रेप हो गया है, हुआ। दे वर टोटली रेप, किसी के पास कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा, किसी के साथ बाय पॉलिटिशियंस, बाय पॉलिटिशियंस, द पुलिस सिस्टम वाज टोटली रेप्ड बाय द पॉलिटिशियंस एंड उसका जो माफिया था, वो तो पॉलिटिशियंस तो डायरेक्टली नहीं आएंगे ना, उसके चमचे लोग आता है यहाँ पर, वो बाहुबली, छोटे बाहुबली, बड़े बाहुबली, आप लोग तो यूपी क्यूपी साइड में पहलवान होते हैं, बंगाली लोग तो उतना पहलवान नहीं होते हैं। हाँ, वो जितने भी MBBS वाले बाहुबली है सब जुड़ गए थे वहां पर। जी तो सर, ये क्या मैं मानू कि इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई? अगर क्या ऐसा भी हो सकता था कि ये चाहते बिना पब्लिक को पता चले ये पूरा केस का निपटारा हो जाता, वो डेड बॉडी भी, अगर इनको पहले पता चल जाए वो डेड बॉडी भी हटा दी जाए? अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली सोचते हैं ना, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि उसको खुद का ऊपर जो अहंकार था, जिसको हम एरोगेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, कि ये सालों भर हम जिसको जैसे जाते हैं, अगर हम बोलते हैं अरे भाई ये तो बर्थडे पार्टी है, ये बर्थडे पार्टी हो जाएगा, हम बोल रहे हैं, हम दादा लोग बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, तो इसका खुद का ऊपर तो उतना कॉन्फिडेंस था कि भाई अरे हम बोले हैं, कौन हमसे पंगा लेगा, कौन लेगा, पुलिस को तो दो चाटा मार के चुप करा दिए हम लोग, और ये पब्लिक लोग है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत कचौड़ी चाय जलेबी खिला देंगे, एक दो दिन छोटा मोटा सा कोई पोस्टर मोस्टर मरेगा, ये ठीक हो जाएगा। किसी को ये उम्मीद नहीं था कि जनरल पब्लिक, और सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे, वो हर किसी ने सोचते हैं कि भाई आप डॉक्टर हो तो ऐसा ही बेवकूफ हो, बेवकूफ नहीं तो डॉक्टर नहीं होते फर्स्ट टाइम, और डॉक्टर्स होंगे, आप 5 डॉक्टर को खड़ा करेंगे तो उसका 6 डिवीजन, 6 एसोसिएशन होगा, तो डॉक्टर्स तो लाइफ में कभी भी एक साथ आ नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक TMC यूनियन होगा, एक लेफ्टिस्ट का होगा, एक BJP वाले होंगे, कोई होंगे, कोई न्यूट्रल पार्टी होंगे, और ये आपस में किचन मिचर लड़ते झगड़ते वो आपस में लड़ते रहेंगे, और ये सारे बात हम लोग, इसको हो जाएगा, दो दिन का थोड़ा बहुत आइटम नंबर होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन दैट वॉज द फर्स्ट टाइम के ये इतना एक बड़ा शॉक था फॉर द मेडिकल कम्युनिटी, हर किसी ने, एंड द सोसाइटी एट लार्ज। हाँ, बंगाल में अगर बोलते हैं ना, अगर आप एक घूंट पानी भी पीते हैं, डान हाथ में पिएंगे तो आप राइटिस्ट होते हैं, बाएं हाथ में पिएंगे तो आप लेफ्टिस्ट होते हैं। तो बंगाल के तरफ मेडिकल कम्युनिटी और जनरल सोसाइटी में जो पोलिटिकल एटमोसफियर है, ये इतना बड़ा शॉक था हमारे सिस्टम के लिए कि हर किसी ने फॉर सम टाइम भूल गया कि भाई हमारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है। एकदम 8 से 10 मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हो गया,
और जो कभी भी कोई देखा था, कभी किसी का कोई इसका कोई उम्मीद नहीं था कि भाई इतने सारे डॉक्टर, बंगाल में 1,00,000 डॉक्टर्स है, 93-94,000 सब बोलते थे अरे भाई इसका तो 7-10 तो आवाज होगा, 7 एसोसिएशन 7 दिशा में जाएंगे, वो सब चुप हो गया। हर कोई मिलके एक बॉडी बनाकर जब ये आवाज तुला, तब ये आवाज का ये एको केम फ्रॉम द जनरल सोसाइटी। और देखिए हर कोई तो डर गया ना भाई, ये आपका तो कोई ऐसा पैसा वाली करप्शन, वोट वाली करप्शन का बात नहीं है। हर कोई तो यही सोचा कि हमारे घर में तो बीबी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हमारे बहनों हैं, बहन है, तो अगर हम इस ये जैसा काम का हमारे घर में चाहते हैं, अगर काम करते करते एक डॉक्टर का ऊपर रेप और मर्डर हॉस्पिटल में हो सकता है, तो जनरल सोसाइटी का क्या हालत होगा। और उसी इन्वेस्टिगेशन को तोड़ मोड़ के ये बाहुबली ग्रुप जैसा सोचेंगे वैसा ही बताएंगे। सो आई थिंक इवन हम लोग बंगाली के बंगाल के ऊपर बहुत सारा झमेला तो हुआ है पिछले 25-30 साल से ऊपर, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड से भी ये ऊपर उठ गए भाई, काफी हो गया ये और हमसे सहे नहीं जाते। मैं इस पे बात करूं सर कि तो बंगाल में मतलब मेडिकल माफिया अपर लेवल तक है अभी भी। देखिए मेडिकल आप तो जानते हो कि किसी भी आप काम काज के लिए जाओ, आपको अगर किसी के जाने जान पहचान दोस्त रिश्तेदार ऐसा होता है, काम बन जाती थी अगर सब जगह में होता था। लेकिन ये मेडिकल माफिया एक दूसरे ये पैरेलल सिस्टम चलाएगा, इतना तो हम लोग कभी देखे नहीं था। लेकिन हम लोग देखिए प्राइवेट सेक्टर में है, जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में बंगाल में 14-15 हजार के आसपास डॉक्टर्स है। तो जितने सारे डॉक्टर्स, क्या शहर का हॉस्पिटल क्या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में थे, हर किसी को पिछले 3-4 साल से ये सब मालूम था ये माफिया कौन है, माफिया का एक नंबर बॉस कौन है, दो नंबर बॉस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हर किसी को मालूम था, किसी को शर्म भी नहीं आती थी। और सब जानते हुए सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट लीडर्स का हाथ उनके मथे पर था कि भाई हमारे आशीर्वाद आपका ऊपर है, अब चलो जो मनमानी। वो क्या करते थे, आपका ऑर्डर, आपको परचेज, आपको फाइनेंस, आप तो दवाई से पैसा खाते थे, डेड बॉडी बेचकर पैसा खाते थे और उससे भूख नहीं भरा, उसके ऊपर क्या कर दिया, स्टूडेंट के ऊपर भारी हो गया। अगर आप एडमिशन चाहते हो तो एडमिशन का पैसा, अटेंडेंस का पैसा, परीक्षा में बैठने का, अपियर होने का पैसा, परीक्षा अनाउंस्ड हो गया क्वेश्चन पेपर लीक करने का पैसा, 3 दिन आगे लीक होगा तो उसका एक रेट है, 7 दिन आगे चाहे तो उनका दूसरा रेट है। तो सर, कितने यही मेरे पास एक ये बंगाल की बहुत बड़ी पत्रिका है, मैं इसका आर्टिकल पढ़ा, ये बंगाली में लिखा हुआ है तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं, मैंने इसको पूरा ट्रांसलेट किया, इसको पूरा पढ़ा, ये 3-4 दिन लगातार निकला। और जो आपने अभी बात बताई कि पेपर लीक करने का अलग अलग पैसा, अगर आप एक हफ्ते पहले लेते हो तो उसका कुछ अमाउंट है, कुछ दिन बाद लेते हो तो कुछ अमाउंट है, एक घंटे पहले लेते हो कुछ अमाउंट है, ये चीज़ें। और इसमें ये भी इसमें मेंशनड है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेपर खरीद ऑन द स्पॉट, जैसे 10 बजे से एग्जाम है, पेपर खरीद के 2-3 परीक्षा ऐसा हुआ है कि बोलते हैं कि अब अगर किसी ने मान लीजिए नेशनल मेडिकल काउंसिल वगैरह वो पेपर रिकॉल करते हैं ना, बोलते हैं हम दूसरे बार देखेंगे पेपर, आप देखेंगे कि 70% पेपर एक ही जैसा है क्योंकि सब एक ही सोर्स से कॉपी किया हुआ गया है। और उसके लिए पैसा है, आप फोकट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए रेट्स भी है, उसके लिए रेट्स भी है। मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इन लोगों को मंत्रालय को क्या बताएंगे, वो जो एक सीनियर सा डायरेक्टर होता है ना हेल्थ का, सीनियर वाले डायरेक्टर जो शायद सेक्रेटरी साहब का सिर्फ नीचू में होते है, वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे एक बंदा जो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर
पोस्ट ग्रेजुएट में घुसा है वो है ये सारे माफिया उल्टा अभी अभी सिस्टम उल्टा भी चलता है। हाँ, एक 30-32 साल का लड़का जो अभी जूनियर बाहुबली है सिस्टम में, वो डिक्टेट कर रहा है कि डायरेक्टर किसको बनना है। अगर आप सीनियर डॉक्टर्स वगैरह होके कुछ आवाज तक तुले तो आपको क्या बोलेंगे, अरे भाई ठीक है आप मेडिकल काउंसिल में आओ, मेडिकल काउंसिल तो हमारा खप पंचायत जैसा है ना, वहां पे बैठ के आपको धुलाई करेंगे। कैसा धुलाई करेंगे, अगर आप अगर हमसे मिलते नहीं है कोई भी एक छोटा मोटा, आपको बोलेंगे उनको नाम में कंप्लेन लिख दो, आप लिख देंगे, एक हियरिंग होगा, हियरिंग करके वही भी उसका तो सब दोस्त रिश्तेदार काउंसिल में बैठे हुए है, वो बोलेंगे साल भर के लिए इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दो, हो गया आपका भंडा फूट गया। ऐसा चल रहा था, सैडली ऐसा चल रहा था। ये इसमें ये तक लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं ये पेपर लीक और इन सब के बाद पे या पैसा लेके किसी का पेपर चेंज करके, उन डॉक्टर्स को इस पत्रिका में पूरे लिखे, मैं आपको भेजूंगा और हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, इसे बहुत बड़ी पत्रिका है वहाँ की। इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स को जो वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इन सब में, उनको ये तक नहीं पता कि पेट कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, और उनको डॉक्टर्स बना दिया, उनके हाथों में भविष्य। उत्कर्ष भाई साहब, आप हमसे आपको हम दुख नहीं देना चाहते हैं, वो जो पत्रिका ये सब लिख रहे हैं ना, ये सारे पत्रिकाओं को 5 साल से मालूम था क्या हो रहा है। और ये सारे पत्रिका ये सब माफिया को सिस्टम को खुशी करके ही चलती थी। इनको किसी का आवाज नहीं उठा जब तक वो देखे कि भाई ये सब 1 लाख बेवकूफ डॉक्टर्स एक साथ हुआ है। और दूसरे बात है जिसको हम लोग सैल्यूट करेंगे कि 2-3 यंग रिपोर्टर्स ऐसे थे वो हर थ्रेट को वो नकार करके वो उनके खुद के काम में लगा रहा, और किसी का इतना भी उम्मीद नहीं था कि ये सिस्टम जितके अंदर में इतना रिवेंज इतना आक्रोश है आपको बिगड़ देगा, आपको यह कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन ले लेगा, आपका वैसे कर देगा। ये सिस्टम के अगेंस्ट में लड़के अब एवरी डे ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन चिट्ठी विट्ठी फोटोग्राफ्स वीडियो सब रिलीज करना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर्स यूनिटी, पेरेंट्स झुके नहीं, डॉक्टर्स एक साथ रहे, और हमारे यंग जर्नलिस्ट वो जो है ना वो जो एडिटोरियल्स लिखते हैं सब पत्रिकाओं में बैठ के, ये भाई उनका बस का काम ये नहीं है यार। वो तो जुरासिक पार्क का मेंबरशिप पहले से ले चुका है और उसका नजर के वो हर किसी को सब पहलू मालूम था कि 8-10 साल से क्या हो रहा है। वो पार्टी को खुश करेंगे, 2-4 विज्ञापन मिल जाएंगे, कोई लीडर उनको थोड़ा एक माला पहना देंगे, भाई वो घर जाके थोड़ा सो जाएंगे, हो गया काम हो गया। इससे मुझे सर एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, आप अनिल कपूर की एक मूवी आपने देखी होंगी नायक, उसमें जब दंगे होते हैं तो पुलिस वाला चीफ मिनिस्टर को कॉल करता है, बोलता है कि सर यहाँ दंगे हो रहे हैं, आप मुझे परमिशन दे दो लाठी चार्ज की। तो वहां से रिप्लाई आता है कि अरे उसमें से कुछ हमारे वोटर्स हैं, कुछ हमारे ये हैं, कुछ ने हमें फंड दिया है, तो उनको कुछ मत करो, ये जनता है, ये कुछ दिन तक चिल्लाएगी, भूल जाएगी, थक जाएगी, फिर उनका नॉर्मल लाइफ चलने लगेगा। उत्कर्ष जल्दी, हाँ आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा ये खत्म करना पड़ेगा, उटी में जाना है, लेकिन आपको एक बात हम बताए कि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन 2-4 मिनट और लूंगा, 40 मिनट हो जाएंगे, 2-4 मिनट और लूंगा सर, बस 2-4। अच्छा बोलिए जी। और एक बात जो हम आपको, हाँ हम एक बात बताना चाहते हैं कि हर किसी ने अभी सोच रहे है कि ठीक है हमारे नेशनल लेवल में बहुत सपोर्ट मिला है इसको लेके, लेकिन इसको जिसको एकदम माँ तुझे सलाम बोल के जिसको सलाम करना चाहिए वो है कि वो हजारों का संख्या में जो जूनियर डॉक्टर्स जो लड़ रहे हैं 35-37 दिन से
जो लड़ रहा है, और आज भी एक फोर्थ टाइम उनको एक मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर उनको बुलाए। चीफ मिनिस्टर का भी मजबूरी है कि ये सब स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि इसको लाइव स्ट्रीम करो, वो करो, तो बंगाल में हर कुछ लाइव स्ट्रीम होता है। अगर आप उन फोटो को माला देते हो तो उसको भी लाइव स्ट्रीम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग को भी, अगर कोई बस स्टैंड को इनॉगरेट किया तो उसका भी लाइव स्ट्रीम होता है, चाय बना रहे तो उसका भी लाइव स्ट्रीम होता है। हाँ हाँ, तो हमारे हर किसी को होता है। लेकिन ये डॉक्टर देख अभी अभी देखिए अभी इसको लिए हंसी मजाक को छोड़ के अगर आप देखते हैं सीरियसली कि अभी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैकफुट में है। क्यों बैकफुट में है? अगर अगर कोई तीसरा आदमी आके कोई झमेला कर दिया और आप गवर्नमेंट के हिसाब से आके बोले कि भाई शांति शांति, हम इसको प्रॉब्लम को अब सुलझाएंगे, वो बात अलग है। अभी ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट के वजह से ही हुआ है ना, ये प्रॉब्लम का कारण कौन है? गवर्नमेंट इज द कॉज। ये तो प्रिंसिपल के बारे में आपको मालूम है, जो वो संदीप घोष बोल के जो बेकार का प्रिंसिपल था, वो तो एकदम घटिया तरफ का आदमी है, एक तो बेकार दूसरा घटिया। उसको आप वो रिजाइन किया, उसको 4 घंटे अंदर आप उनको प्रमोशन दे के दूसरे जगह में लेके गए। तो ये संदीप घोष की जो कुंडलियां है सामने आई जब, कि वो स्मगलिंग करते हैं, पैसे हैं उनके पास जिस चीजों पे वो अरेस्ट हुए, तो वही सामने दिख रहा है कि मतलब सिस्टम तो एकदम मिला हुआ है पूरी तरीके से। अरे उत्कर्ष जी, संदीप घोष हॉन क्या, जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हो ना, बड़ा पैकेट मिलता है फैमिली साइज, उसके बाद ये कॉफी के तरह है, हाँ, लार्ज कप, मीडियम कप, स्मॉल कप, वो कैफे, हाँ, ये स्टारबक्स कैफे के जैसा है। अरे भाई, संदीप घोष इज अ स्मॉल कप ऑफ कॉफी, उसके बाद और भी दो बड़ा कप है, दो और भी लेयर है उसका ऊपर। अच्छा, मैं दो छोटे सवाल, एक तो ये जो ममता बनर्जी बैकफुट पे हैं मुख्यमंत्री, वो और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं अगर जनता चाहती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पद से इस्तीफा देंगी, गृह मंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के, मुख्यमंत्री के। और दूसरा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर्स को बोला है कि अपने काम पे वापस लौट जाइए, जो मौतें हो रही हैं मरीजों की, उस पर आपका क्या कहना है एज अ डॉक्टर? बस यही दो। देखिए, पहली बात यही है उत्कर्ष के हर मौत हर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नमस्कार करके, सब रेस्पेक्ट सब करके बोलेंगे कि आप तो हमारे लास्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री हो, आप भी थोड़ा समझदारी से काम लो, कोई भी इमरजेंसी बंद नहीं हुआ है। सीनियर और गवर्नमेंट स्टाफ डॉक्टर्स जो है वो राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, ओटीज चल रहा है, ओपीडीज चल रहा है, इमरजेंसी चल रहा है। आप ज़रूर ये बोल सकते हो कि नॉर्मल से शायद कहाँ 30%, कहाँ 30-40% कम हो सकता है, एक नंबर। दो नंबर, इससे परेशानी होगी क्योंकि बंगाल को आप जानते हो, हम लोग तो पैसे वाला स्टेट है नहीं, हमारे बहुत सारे जो गरीब मरीज है वो तो आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो अगर ऐसा हम आपको बता दिया इसका कोई असर नहीं है, वो सरासर झूठ होगा। हाँ, कुछ असर है, लेकिन अगर हम आपको ऐसा बता दिया कि पूरा हेल्थ सिस्टम बंद होकर बैठा हुआ है, वो भी एकदम झूठ है, 100% झूठ है, राइट। सेकेंड बात, आप समझो जो हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का जो अफसोस की बात है, किसी ने कपिल सिब्बल साहब को समझा दिया कि एक महीना में 23 आदमी का मौत हुआ है। अरे भाई, एक महीना में बंगाल में, एक महीना में कम से कम 1.5 लाख लोग का मौत तो नेचुरली होता है। हर दिन में इंडिया में लगभग 40,000 मौत तो ऐसा ही नेचुरली होता है। तो अगर आपको किसी आंकड़े बताना है तो वो आंकड़ा को भी तो कोई अकल रहेगा ना उसके अंदर में। तो अगर एक महीना में जहां हमारे यहाँ पे नॉर्मल डेथ है 1.5 लाख, उसको साथ आप 20 नंबर जोड़ के बोलते हैं, इतना ज्यादा फर्क हुआ है, उसका कोई माने है? कोई माने नहीं है। तो अगर कोई स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट्स देना है उसमें भी थोड़ा अकल काम करना चाहिए। पुलिस का तो अकल चल गया, गवर्नमेंट का तो भी अकल खत्म हो गया। अगर हमारे कोर्ट में लॉयर का भी अकल कम हो जाता है
और उस फैक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट भी घबरा गए। सुप्रीम कोर्ट को जब सुनने में आए कि हाँ 23 आदमी को मौत हुआ है, वो अचानक घबरा के क्या किया, वो एक लैटरल ऑब्जर्वेशन कर दिया, भाई जल्दी काम में जाओ। और यही बात भी तो सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स के अंदर में, जूनियर डॉक्टर्स के अंदर में अभी इतने खोब है, इतना दुख है, इतना प्रोटेस्ट है, वो तो ज्वाइंट मीटिंग 4 बार हो गया है, ये मीटिंग के लिए बुला रहे, आ रहे, आ रहे, जा रहे, हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 20 आदमी जो हमारे हमारे जो लीड कर रहे हैं, हमारे पास में तो 5-6 हजार डॉक्टर्स और भी है, तो अगर आप वीडियो नहीं करेंगे तो हम कैसा बताएंगे। तो इसको लेके उनका तो डिमांड है ट्रांसपेरेंट रहे, जो भी चीजें हो रही है वो ट्रांसपेरेंट चलता रहे। तो जो एक दो बात देखिए, शायद हम लोग तो वकील है नहीं, हम तो वकील है नहीं, लेकिन अगर आप 3-4 दिन सुप्रीम कोर्ट का बयान और हियरिंग कुछ कुछ आप सुने थे, आप देखेंगे वो हर 10 मिनट हर 15 मिनट बता रहे पुलिस ये नहीं किया ठीक से, पुलिस वो नहीं किया ठीक से, ये चलान कहाँ गया, क्यों आप 12 घंटा बाद FIR किया, बहुत सारे सवाल। ठीक है, सवाल करने ही चाहिए, कठिन से कठिन सवाल करना चाहिए, लेकिन बात है पुलिस कहाँ है, ये सवाल आप किसको कर रहे हो। कपिल साहब को ये सवाल करके फायदा क्या है, कपिल साहब तो इतना बड़ा फाइल लेके ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपका 90% सवाल पुलिस से है, हम भाई छोटे मोटे हम लोग आदमी है, कॉमन सेंस। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा होगा तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को तो कोर्ट में रहना पड़ेगा ना जी। हाँ, अब 20 सवाल उठ चुका है पुलिस को लेके, लेकिन 1 मिनट के लिए भी पुलिस को देखा नहीं कोर्ट में, क्यों, हम लोग तो समझते नहीं। शायद इसका अंदर कुछ एकदम लॉ का कुछ फाइन प्रिंट आर्गुमेंट होगा। तो जहां पर आप डायरेक्ट पुलिस का सवाल करते हो और पुलिस नहीं है, वो तो आश्चर्य लगता है हम लोग को। और आपको गवर्नमेंट साइड से एक टोटली उल्टा पुल्टा आंकड़े आपको दे दिए, उसको ऊपर शायद, हाँ इट्स अ सेंटिमेंटल पॉइंट, ट्रू इट्स अ सेंटिमेंटल पॉइंट, मौत हुआ है, हर कोई घबरा जाते हैं मौत हो के सुनते हैं, अरे मौत तो ऐसा ही होता है, 40,000 से मौत से ऐसा ही होगा, 140 करोड़ तो हमारे आबादी है ना, तो उसमें आप 20 होके आप एक ऑब्जर्वेशन किए, तो आपका तो रिस्पेक्ट भी रखना है ना। तो हम ये समझते थे अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देख के बोलते थे कि भाई आप जल्द से जल्द इसी टाइम में ऐसा मिनट करके या वीडियोग्राफी करके एक मीटिंग करो, ये मीटिंग का प्रोसीडिंग्स हमको दिखाओ, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। हमारा यही उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट यही बताएंगे। जरूर वो लड़के लड़की लोग चाहते हैं काम में वापस जाने के लिए, अगर वो काम में वापस गए तो हॉस्पिटल्स नॉर्मलाइज होंगे, हर कोई ये मानती है, एब्सोल्युटली मानती है। अगर आधी भी डेथ एक्स्ट्रा हुआ वो भी खराब है, ये भी मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को यही उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि भाई काफी हो चुका है, अभी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स लोग बैठो, एक रिकॉर्डेड मीटिंग करो, अगर आपको कुछ डिसएग्रीमेंट है तो किस बात में डिसएग्रीमेंट है हमारे पास लेके आओ, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये 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 फैसला का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि भाई ये तो ये ठीक है, ये जूनियर डॉक्टर्स है, ये बच्चे थोड़ी है, वो किसके लिए लड़ रहा है, खुद का फ्यूचर। एक 28 से 30 साल का लड़का लड़की खुद का फ्यूचर दांव में लगा के लड़ रही है, क्योंकि उनके कोई दोस्त, उनके कोई बहन, उनके एक कलीग को आप एक जानवर के तरह, उनका मौत हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए वो लड़ रही है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सवाल सर, छोटे में आप दीजिएगा, मैं जानता हूं आपका समय कीमती, आपको जाना है। मुख्यमंत्री के रोल को आप कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो इस केस में रोल प्ले कर रही हैं,
देखिए मुख्यमंत्री बहुत परेशानी में है। पहली बात है कि उनका मुख्यमंत्री को भाई उनका तो अथॉरिटी का कोई कमी नहीं है, तजुर्बे का भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग तो गवर्नमेंट से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उनका उनका सामने उनका डिपार्टमेंट के अंदर से इतना सारा ये कार्टेलबाजी माफियाबाजी हो चुका है, उनका मालूम था नहीं था, कितना दूर तक था हम लोग नहीं जानते। और दूसरे बात यही है कि जैसा ये जो उनका शायद पार्टी वाले जो है वो पार्टी वाले तो उनको बहुत मुश्किल में गिरा चुका है ये माफियाबाजी करके, और उनको जो अभी एडवाइजर ग्रुप है जिसको आप वो आईएएस वाईएएस ऑफिसर बोलते हैं, उनका भी अकल सीधा काम नहीं कर रहा है। उनको चाहिए था कि भाई एक दो दिन के अंदर ये मामला खत्म कर दो, ये संदीप घोष को रिजाइन करा लो, इसको ये करा लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन करके ये मामला केस रिपोर्ट सबमिट करो। वो जितना लंबा इसको खींचता रहता है उतना ये केस बिगड़ता जा रहा है, और उसी हिसाब से जितना लंबा वो जूनियर डॉक्टर के साथ खींचातानी कर रहा है उतना ये केस और भी बिगड़ेगा। क्योंकि क्या पुलिस क्या गवर्नमेंट किसी का केस अभी और मजबूत होने का कुछ बाकी नहीं है, जितना वक्त जाएगा उनका केस उतना भी ढीला पड़ेगा। तो उनको अभी बहुत सोच विचार हो गया है, अभी उनको देखना है कि भाई आओ हम लोग बात करें, ये आपस में वो सीबीआई जो रिपोर्ट देगा वो देगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, वो देना है। अभी हम लोग बैठ के हॉस्पिटल और जूनियर डॉक्टर वाली मामला को खत्म करें, और हम लोग को वेट करना है जब सीबीआई को वर्डिक्ट होगा। सीबीआई जिस जिस को दोषी पाएगा भाई उसको तो अंदर जाना ही है, वो जाएगा, क्या करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी अहम चीज़ों पे बात हुई, और एक चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो लूप होल है इस स्वास्थ्य व्यवस्था में, उस पर बहुत अच्छे से बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला और हर किसी का यही मानना है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश तो की गई है, पुलिस की लापरवाही तो रही है, और सरकार ने भी बहुत ज़्यादा ढिलाई दी है। अब सीबीआई क्या रिपोर्ट देती है, न्याय कब मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन वही वाली बात, अगर आज ये जनता सो गई, आज अगर इस केस को भूल गए, तो फिर न्याय मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप सभी डॉक्टर्स को नमन, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।